हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। भरत फिल्म को लेकर सबसे बड़ा सवाल मुझसे ये पूछा गया कि सूर्या भाई, क्या इस फिल्म में एक्शन होगा या होगा तो कितना होगा। ओरिजिनल फिल्म की बात करें, ओडी टू माय फादर, जिसका ये एडेप्टेशन है हिंदी वर्जन का, ओरिजिनल फिल्म में जो एक्शन था वो मान लीजिए 5-10% था या उससे आसपास ही, उससे ज्यादा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और इस फिल्म में ये तो अली अब्बास जफर ने साफ साफ कहा है कि एक्शन है और वो भी अच्छा खासा एक्शन होगा, क्योंकि सलमान खान को बिना एक्शन के ऑडियंस शायद पसंद नहीं करेगी। कहने का मतलब ये कि सलमान खान को जब पर्दे पर लोग देखते तो वो चाहते कि एक्शन करे सलमान खान, तो ऑफकोर्स इस फिल्म में एक्शन होगा। लेकिन एक नई बात पता चली इस फिल्म को लेकर कि एक्शन ज्यादातर कौन से उनके रेंज का दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर सलमान खान 5 अलग अलग किरदार निभा रहा है, मतलब एक ही किरदार है उसके अलग अलग 5 शेड है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक्शन का जो मजा आने वाला है लोगों को वो उनके ओल्डर एज का, यानी 70 साल के जो सलमान खान फाइट करेंगे ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, इस तरह से बात पता चली है। और वो एक्शन एक कमाल का होगा। फिल्म में और भी एक्शन है, यानी कि आप जब देखोगे नेवी के जो ड्रेस में सलमान खान जो फाइट करते हैं बोट पे से ना, जो बड़े शिप में से, वो भी कुछ सीन्स हमने देखे हैं ट्रेलर में। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट फाइट सीन यहाँ पे जो है, जो स्टोर करके रखा है सलमान खान के फैंस के लिए अली अब्बास जफर ने, वो है उनके बुढ़ापे का फाइट सीन, जो 70 साल के सलमान खान जो बाइक पे से जब मारते बंदों को, या जिस तरह से फाइट है जो 70 ईयर का जो सलमान खान दिखाएंगे, वो सबसे स्पेशल चीज होगी इस फिल्म में। यानी कि इस फिल्म में डायरेक्टर ने साफ साफ कहा है कि इस फिल्म में इमोशंस है, ड्रामा है, मसाला है, हर चीज है। तो यानी कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आने वाली है। और सलमान खान के 70 साल के एक्शन को लेकर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।